आदम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनफोल्ड प्रेस का ये शुमारा, और आज इस शुमारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जीरो माइल रेस्टोरेंट के फाउंडर मिस्टर जिब्रान खान। तो जिब्रान साहब, खैर मकदम है आपका हमारे शुमारे में। थैंक यू सो मच आज आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपका जो पहला पॉडकास्ट है उसमें आपने मुझे इनवाइट किया। तो जिब्रान साहब, सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, कहाँ से शुरुआत हुई, स्टडीज़ आपकी कहाँ से रही, सब कुछ। बिल्कुल जनाब, मेरी जो स्टडीज़ है, मैं बांडीपुरा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरी स्टडीज़ बांडीपुरा में ही हुई है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन यहीं सोपोर डिग्री कॉलेज में कंप्लीट की थी। उसके बाद आई वेंट टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ में मैंने MBA अपना किया है HR एंड मार्केटिंग में। और मेरा जो एंटरप्रेन्योरशिप का मैं जर्नी बताऊंगा, वो बहुत ही छोटी एज में स्टार्ट हुआ है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो ऑल्दो वी वर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, बट फिर हालात चेंज होते रहते हैं, दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो आई रिमेंबर मेरे एग्ज़ाम्स थे और सच में मतलब पैसे नहीं थे आने के लिए, कॉलेज आने के लिए पैसे नहीं थे। एंड माई मॉम अखबर छासा घर पे ना, जी जी, जिसमें वो पैसे रखते हैं जमा करके, तो उन्होंने वो तोड़ के कुछ कॉइन्स वगैरह जमा की एंड 13-14 रुपए समथिंग लाइक दैट वो मुझे दिए। तो मैं एग्ज़ाम देने के लिए सोपोर कॉलेज आया। आपके ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स? मेरे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स थे और वापस जाने का किराया नहीं था, आई स्टिल रिमेंबर। फिर मेरे कज़न्स, मेरी मासियाँ रहती हैं यहाँ पे, तो मैंने जाके मासी के घर पे रुका। मैंने सोचा जब तक मेरे एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो आई विल स्टे देयर। तो बचपन में देते हैं ना घर वाले, जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं वो आपको 1 रुपया 50 पैसे, उन दिनों बहुत वैल्यू होता था उस चीज़ का, तो वो देते थे कि कुछ खा लो, कुछ टॉफ़ी ले लो वगैरह। तो मैंने वो कॉइन्स वगैरह जमा करी ताकि मेरा वापस जाने का किराया मैं ये करूँ जी। तो उसके बाद मुझे लगा नहीं यार, कुछ ना कुछ तो करना है ज़िंदगी में। तो मैंने, मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का जो जर्नी है वो कॉलेज से स्टार्ट हुआ था। आई वर्क देयर, ICICI लोम्बार्ड करके कंपनी आती है, इंश्योरेंस कंपनी, मैंने वहाँ पे एज एन इंश्योरेंस एजेंट काम किया है। तो उस कॉलेज के दौरान बहुत कम पैसा था, 2000-1500 कमाता था मैं महीने का, दैट वॉज मोर देन एनफ फॉर मी टू ट्रैवल और कुछ भी। एंड वेन आई वेंट बैक टू कॉलेज, डिग्री कॉलेज सोपोर, सॉरी डिग्री कॉलेज से मैं जब चंडीगढ़ चला गया था MBA करने के लिए, वहाँ पे भी आई वर्कड इन अ कॉल सेंटर। रात को मैं जॉब करता था और दिन में कॉलेज जाया करते थे। एंड मेरे घर वालों ने मुझे एडमिशन तो कराया था, बट यू नो वापस का फिर मतलब सी बाकी सारे खर्चे मैं खुद से करता था। Everything I used to do on my own. उस कॉल सेंटर की जो आप जॉब करते थे, उसकी सैलरी, exactly, उसकी सैलरी से मैंने अपना बाकी के खर्चे, एंड आई थिंक एक साल के लिए मैंने घर वालों से फीस वगैरह लिए, उसके बाद तो नहीं लिया। उसके बाद मेरा इंटर्नशिप हुआ, इंटर्नशिप में जिस कंपनी में मैं इंटर्नशिप करने के लिए गया था उन्होंने मुझे अपॉइंट किया, एंड आई वर्क देयर एज एन HR एग्जीक्यूटिव फॉर 2 years। बट वो चाहत थी यार कुछ अपना करने की, एंड इट वॉज ऑलवेज इन माई माइंड कि अपने साथ साथ मतलब आई डोंट हैव टू बी एन एम्प्लॉय, आई हैव टू बी एन एम्प्लॉयर, दैट वॉज देयर। सो आई केम बैक टू कश्मीर। तो फिर फाइनली जब मैं गुरेज गया, आई वॉज वेरी मच मेसमराइज विद द लोकेशन, विद द लैंडस्केप, आर्किटेक्चर, लोग, यू नो लैंग्वेज, चीना लैंग्वेज बोलते हैं जी। तो आई फेल्ट लाइक यू नो वी शुड प्रमोट दिस प्लेस, ओके, सो आई शुड डू समथिंग फॉर इट। एंड 2014 में मैंने अपनी ट्रैवल कंपनी खोली, और एट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग एज HR एग्जीक्यूटिव इन एन IT कंपनी इन चंडीगढ़। 30-35 हज़ार रुपये की सैलरी थी मेरी, साइड बाय साइड आपने अपना ट्रैवलिंग का भी? मैंने अपनी जॉब छोड़ के अपना ट्रैवल कंपनी। अच्छा, वो जॉब आपने छोड़ा? वो जॉब छोड़ के आई केम बैक टू कश्मीर एंड आई स्टार्टेड माय ट्रैवल कंपनी। देन आई स्टार्टेड प्रमोटिंग गुरेज, एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रमोट गुरेज। मैंने फोटोज ली, ब्लॉग्स बनाए, यू नो आई वेंट टू सम ट्रैवल इवेंट्स, वो शुरू किया। तो ठीक है, चलता गया। 2014 में आई गॉट ओनली वन क्लाइंट, आई स्टिल रिमेंबर, कर्नाटका हुबली से एक कपल आया हुआ था, तो मैं उनको लेके गया। उनका करीब आई रिमेंबर 70-80 हज़ार रुपये का पैकेज बना था, और उसमें से मुझे 20-25 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हुआ था। एंड माय पेरेंट्स वर लाइक यार तूने एक अच्छी जॉब छोड़ी, 30-35 हज़ार इज़ अ लॉट ऑफ मनी एट दैट टाइम जी। तो तूने एक अच्छी जॉब छोड़ के अब तू क्या कर रहा है? बट यू नो दे वर क्वाइट सपोर्टिव एंड दे वर लाइक ओके फाइन, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड 2015 में आई हैव टुक द रिकॉर्ड 350 पीपल टू ग्रेस, 350 पीपल, इट्स अ रिकॉर्ड, यू कैन चेक द टूरिज्म की जो भी उनकी GR वगैरह है, लाइक दैट।
और 2016 में वी आर प्लानिंग फॉर ए ग्रेट ग्रेट इवेंट, अ वेरी बिग इवेंट, गुरेज वंडरलस्ट फेस्टिवल से. टूरिज्म वॉज स्पॉन्सरिंग फॉर एक जेके टूरिज्म. उमर अब्दुल्ला वॉज द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एट दैट टाइम, और उनका स्पेशली मुझे कॉल आया था टू कम एंड यू नो स्पॉन्सरशिप के लिए. एंड बहुत अच्छा इवेंट होने वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली द बुरहान थिंग हैपेंड, सो आई हैव टू मूव एंड आई वेंट टू दुबई. बहुत नुकसान हुआ था 12-13 लाख रुपए का जो मैंने खुद से कमाया था, एंड दैट वेंट ऑल वेन. सेविंग्स की थी आपने? जो भी सेविंग्स की थी जो उस इवेंट पे हमने स्पेंड की थी, बट इट डिडंट हैपन. सो इट वाज अ बैक ड्रॉ उस टाइम पे, पहली स्टार्टिंग में अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के स्टार्टिंग में एक बहुत मतलब बहुत बड़ी चोट लगी थी. तो फाइनली वो सब कुछ हुआ, देन आई वेंट टू दुबई. दुबई में मैंने 2 साल काम किया, बट अल्टीमेटली गोल वही था यार, कुछ करना है, अपना करना है और कश्मीर में करना है. क्योंकि आपको पता है कश्मीर के लोग ऐसे हैं कि यार वी आर सो कनेक्टेड टू आवर सॉइल, वी आर सो कनेक्टेड टू आवर पीपल, हमारा मतलब वी आर नॉट एबल टू मूव आउट. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनके अपनी फैमिलीज को साथ में मूव कर चुके हैं, बट हमारी फैमिलीज आर नॉट रेडी टू मूव, वी आर नॉट रेडी टू सेटल आउटसाइड कश्मीर. सर नहीं ये थी लगा मज़ा, इवन कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे कश्मीर में रहना बहुत पसंद है. तो फिर जीरो माइल्स हैपेंड इन 2018. सी देयर आर 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द ह्यूमन, रोटी कपड़ा और मकान. और मैंने इनमें से रोटी चुना क्योंकि मुझे लगा द कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस, कंसेप्ट ऑफ ओपनिंग द रेस्टोरेंट, आई विल टॉक अबाउट इट, कि रोटी जो है खाना तो हर दिन खाना है, हर एक ह्यूमन को खाना है, एक बार नहीं 2 बार खाना है. कई कई लोग 3-4 बार भी दिन में खाना खाते हैं. कपड़े तो आपको पहनने ही पहनने, मकान में तो आपको रहना है. सो दीज आर द 3 बिजनेस जो कभी शक नहीं होंगे, हमेशा चलते रहेंगे. रोटी कपड़ा मकान हमेशा चलता रहेगा. मेरे बाप दादा में से किसी ने रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं किया, तो जो भी कुछ था सीखना पड़ा. एवरीथिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ, मैंने इन 6 सालों में ऑन द गो सब कुछ सीखा है. कभी मेरे शेफ ने मुझे कुछ सिखाया, कभी किसी ने कुछ सिखाया, कभी कस्टमर्स ने सर्विस करना सिखाया. तो एवरीथिंग वी हैव लर्नड इन दिस जर्नी. नो डाउट सोशल मीडिया वॉज अ टूल विथ अस कि स्टार्ट करना है एंड देन वी विल प्रमोट आवर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया, बट सब लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करते थे उस जमाने में. तो 2018 में बहुत कम करते थे, आज तो नंबर्स हैव ह्यूज. तो हमने क्या किया जी, सोशल मीडिया पे जो अपनी चल रही है पैरेलली हमने ऑफलाइन भी कर दी. ऑफलाइन कैसे मतलब? उन दिनों पे देर कुछ बैग्स वगैरह नहीं आते थे डिलीवरी के, ना जो डिलीवरी बॉयज लेके चलते हैं ना बड़े बैग, इंसुलेटेड बैग्स होते हैं हॉट प्रोडक्ट्स के लिए, हॉट कोल्ड के लिए कोल्ड, उन दिनों नहीं होते थे. तो हमने ना बाइक के पीछे एक वुडन ऐसे बॉक्स सा बना दिया और उस पर मैंने ब्रांडिंग कर दी, फ्री होम डिलीवरी, 0 माइल्स का लोगो डाल दिया, उस पर नंबर डाल दिया, इस नंबर पर कॉल करें, फ्री होम डिलीवरी. अब उन दिनों इतनी डिलीवरीज तो आती नहीं थी, ठीक है, दिन में एक आ गई, 2 आ गई. तो हम क्या करते थे, बाइक को उठा के बस स्टैंड में रख दिया या चौक में रख दिया नॉर्मली से, क्योंकि उस पर ब्रांडिंग लगी हुई है. आप समझ रहे हो बात, ये आइडियाज आपको आते कहाँ से थे ये मार्केट के? नॉर्मली किसी इंसान में ये सब चीजें आती हैं एंड यू नो पीपल, इट्स ए क्रिएटिविटी. हाँ, यू कैन से दैट. तो नॉर्मली हम डाल दिए, बाइक को खड़ा कर दिया कहीं पे, रेस्टोरेंट के बाहर ना रहे, कहीं चौक में रहे, ठीक है, बस ने. तो डेफिनेटली जब आप भी वहाँ से गुजरोगे, यार कुछ फ्री ये क्या लिखा हुआ यार बॉक्स पे, कुछ आप भी नंबर सेव करोगे. सो यू विल कॉल अस कि भाई आप क्या फ्री मतलब क्या डिलीवर करते हो. सो थिंग्स वर्क लाइक दैट. सो इट हैज़ टू बी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि जैसे कशीर मजन से सारी बात खेन वाले नफर एवरीबॉडी इवन मी इवन मी, मतलब मुझे अगर 2-3 बजे के बाद खाना नहीं मिलेगा मैं सता. सही बात, ठीक है, एवरीबॉडी वी आर यूज्ड टू हैव फूड. तो यहाँ पे कश्मीर में व्हेन देयर वेर ट्रेडिशनल वाजवान रेस्टोरेंट सर्विंग हर नुक्कड़ कोने पे, हर 5 स्टार पे, देन क्रिएटिंग योर नीश फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम वाजवान, दैट्स अ बिग थिंग. आप समझ रहे हो? जी जी. क्योंकि हमने आज तक कभी ना वाजवान सर्व किया. हमारे ट्रेड में तो ऐसा बोला जाता है यार, वाजवान इज समथिंग विच एवरीबडी लव्स, हर कोई. तो इसमें अपना नाम बनाना इज वेरी इजी टू क्रिएट अ नेम. अगर आप वाजवान अच्छा सर्व करते हो ना, कोई भी आपके पास आ जाएगा, आई एम योर कस्टमर, कोई भी, एवरीबडी. बट टू
क्रिएट योर नेम इन सच फूड इंडस्ट्री जहाँ पे आप सब कुछ डिफरेंट कर रहे हो. व्हेन यू आर डूइंग पिज्जाज, मतलब मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊंगा, 2018 की बात है, पीपल डिडंट नो व्हाट इज पिज्जा. बहुत सारे लोगों को यार किसी को नहीं पता होता. मेरे को जब पहले मैं पास्ता खाने गया था, मुझे नहीं पता था पास्ता क्या है या कोई भी चीज़. मैंने 2018 में टन्स में मॉकटेल्स भेजी, टन्स में, बिलीव मी, इतना मार्केट, उतना मतलब आई टोल्ड यू ना, देयर वाज अ कैफे कल्चर बहुत ज़्यादा. मायोनीज जो है ना, मायोनीज सिंपल सी चीज़, क्रेज़ होता था लोगों का मायोनीज का, मायोनीज खाने का, किसी भी खाने के साथ, मतलब पीपल यूज्ड टू ईट मायोनीज विद बिरयानी एज वेल, ऐसा क्रेज. कुछ चटनी का वो बना, चटनी का वो बना के, यू नो पीपल यूज्ड टू डू दैट आल्सो. तो वो एक वक्त था, बट नाउ द थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. आज की डेट में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आद गोपस STDPCO एज आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो. तो राइट नाउ अभी जो मार्केट में जो रेस्टोरेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब ब्रांड्स आर कमिंग, ठीक है. फिर भी मैं एक चीज़ बताऊंगा, फिर भी कश्मीर में अभी तक मार्केट इज़ वेरी मच वर्जन, यू डोंट हैव दैट हाई लेवल का कंपटीशन नहीं आया अभी तक, ठीक है. जैसे बाहर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देयर आर बिग बिग ब्रांड्स, तो वैसा कश्मीर में अभी तक नहीं है. एंड दिस इज़ विथ everything else, not only the restaurant, this is with aap koi bhi any other sector, business sector dekh lo, har ek cheez mein market is still there. Main ko ek do waqt tandoori chef hire, acha theek, raat ko theek thaak uske sath salary discuss ho gayi, every terms and conditions. To ab usko kebabs banane the, to same shoes mein kebab banaya mat, so she was not make us minutes lad kazam sa ye gaya kaam kare. ये तो एक कबाब, ये हर कोई चीज़ नज़र, आप समझ रहे हो, ये तो कम महसूस करा बोस उस कबाब वाला वाला चोर नगलावा, आप समझ रहे हो, मतलब बोस कबाब वाला वाला चोर कबाब उस में नगलावा, ये हर कोई चीज़ पर नज़र, यू नो आपका सब कुछ ही आता है. अगले दिन फोर ही वेंट, सो मेरे को कोई बंदा नहीं था तंदूर पे, आप समझ रहे हो. तो ऐसी चीज़ें थी, पहले हम सात बंदे थे काम करते थे, तो अब अगर कोई लड़का भाग जाता था वो अपने फ़ोन उठाते थे तो सात लोगों को कॉल करेंगे, 14 लोगों को, अपने एक्विटेंसेस को, यार कोई लड़का है, कोई शेफ है तंदूर का, इंडियन का कुछ. बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, अब हमारे पास 60 लोग काम करते हैं. अब अगर कोई लड़का कहीं से चला भी जाता है, सो वी हैव द रिप्लेसमेंट. सोपोर से उठा लिया, कुपवारा में डाल दिया, कुपवारा से उठा दिया, हंदवारा में डाल दिया, हंदवारा से उठा दिया, कंगन में डाल दिया, दो तीन दिन काम चल जाएगा. और जब 50-60 बंदे एट अ टाइम ग्रुप में मैसेज आता है दिस रिक्वायरमेंट, पूरे स्टाफ को मैसेज, आप एक जगह से उठा के शफल कर देते हैं. एग्जैक्टली, शफल कर देते हैं. तो ग्रुप, पूरा ग्रुप बना है स्टाफ का, उसमें शाम को मैसेज आता है रिक्वेशन की, कि मतलब रिक्वायरमेंट की, कि वी नीड अ शेफ ओवर हियर, किसी आउटलेट पे शेफ की जरूरत है. जब 50 लोगों को फोन करेंगे, कोई ना कोई एक्यूटेंस तो निकल ही जाएगा ना. तो एंड मजे की बात ये है, आज की डेट में हमारे पास ऐसे लड़के, दो भाई काम कर रहे हैं हमारे पास, पितर बेबारिन, पौत्र बेबारिन, मास्टर बेबारिन, यू नो बाप और बेटा भी हमारे पास काम कर रहे हैं. रियली? यस, वी हैव सच पीपल वर्किंग विद अस. तो अब थिंग्स हैव चेंज्ड, बट बिफोर स्टार्टिंग में, एंड द वर्स्ट पार्ट, द वर्क कल्चर इन कश्मीर इज नॉट दैट गुड. इफ आई हैव टू सजेस्ट समबडी कि किसी भी बिजनेस में, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल बिजनेस हो, वट इज द फंडा, वट इज द मंत्र ऑफ गेटिंग सक्सेस, गेट टेक इन्वॉल्व इन योर बिजनेस. आप टेक का इस्तेमाल करें. मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा, इफ़ वी हैव सॉफ्टवेयर, हमारे 3 आउटलेट्स ऑनलाइन हो चुके हैं, रात को मैं आधा घंटा बैठता हूँ, सारा डेटा चेक करता हूँ, कितने लोग आए, कितनी बिल्स कटी, किन इन्वेंट्री में क्या था, क्या बिका, क्या बचा, एवरीथिंग. ओके, नाउ इफ यू आर नॉट रेडी टू स्पेंड ऑन द सॉफ्टवेयर या आपको महंगा पड़ रहा है, यू कैन, देर आर एप्स अवेलेबल. हमारे 0 माइल्स पे हमारी अटेंडेंस भी आजकल ऑनलाइन होती है. Everything is biometric. Not biometric. We have not gone that way, but we have got some apps जिसमें लड़का आके अपना अटेंडेंस करता है, उसको अपनी सैलरी स्लिप, उसको अपनी सब कुछ वहीं पे कंफर्म हो जाता है. टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट. जबरा साहब, बिजनेस के रिलेटेड बातें होती रहेंगी, अब बाकी बताएं आपकी जिंदगी कैसी चल रही. मेरी जिंदगी यार, आई टोल्ड यू
सीरियसली देयर इज नो सोशल लाइफ. आजकल आप देखिए जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, या आप बाकी भी, अब हर किसी की बात करें, आप चाहे किसी एंटरप्रेन्योर की बात करें, चाहे वो डॉक्टर है, हर कोई डिप्रेशन का. ब्रो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट कश्मीर, इट्स ग्लोबल, देखा जाए ग्लोबल एवरीवेयर. एंड द मेन कॉज इज दिस, आई बिलीव सो, द फोन एडिक्शन. आई थिंक गॉन आर द डेज जब हमें ड्रग एडिक्शन की बात करनी चाहिए. Gone are those days. Now people should talk about phone addiction, and everybody is involved in it. Everybody, bro. हर कोई, मतलब रील्स का इतना एडिक्शन है. मैं खुद की बात करूँगा, आप रात को देख लो, आपके जो दोस्त हैं आप चेक करो, एवरीबडी इज़ ऑनलाइन 3 बजे रात के, 4 बजे. जब इंसान सोएगा नहीं यार, कैसी उसकी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी. तो जबरान साहब, आज का जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, आप पीक पे है, प्रतिकांश बेरोजगार, उनके लिए आप कैसे सजेशन रखेंगे? वेल अगर आज की डेट में मेरे पास कोई लड़का आता है और मुझे बोलता है सर मुझे बिजनेस करना है, क्योंकि हम वे आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस, तो मैं क्या करूं? तो अगर मुझे लगेगा कि लड़के में गट्स हैं कुछ करने के लिए, एंड ही रियली वांट्स टू डू समथिंग इन हिज लाइफ, मैं उसको बोलूंगा जाके कबाड़ का बिजनेस कर ले. ओके, कबाड़ का बिजनेस, स्क्रैप. आई रिमेम्बर लास्ट ईयर मैं अपनी सीए के साथ बैठा था, एंड समबडी केम, एंड बिलीव मी, जो उसका जीएसटी का मंथली का रिटर्न था वो मेरी टर्नओवर से कहीं ज़्यादा था, अलॉट. तो मुझे लगा है कोई बड़ा बिजनेसमैन. सो व्हेन ही लेफ्ट आई आस्क माय सीए कि हु इज दिस गाय, उनका बिजनेस क्या है. बोला ही इज ए स्क्रैप डीलर, कबाड़ का काम करते हैं. बिलीव कबाड़, एंड स्क्रैप ऐसी चीज़ है जिससे हर कुछ बनता है, एवरीथिंग. आपका फ़ोन, आपका पेन, प्लास्टिक, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एवरीथिंग. आप बात समझ रहे हैं? इट्स नॉट ऑल अबाउट डिग्रीज. जो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, इंडिया में जो मिलेनियर्स हैं जिनका टर्नओवर महीने का 300-400 करोड़ रुपए है, वो लोग बोलते हैं कि इफ़ यू रियली वांट टू सक्सीड इन बिजनेस, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन की, ये इंडिया के बिजनेसमैनों का मानना है, गो टू चाइना एंड उनसे सीखो. ठीक है, 3 महीने. मैं अभी रिसेंटली किसी का पॉडकास्ट देख रहा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, ही सेड कम से कम आपको जिंदगी में 3 महीने तो शंघाई में गुजारने हैं इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन वाले बिजनेस में. अब चलो ये तो यार बहुत बड़ी बात होगी, मैं सिंपली कश्मीरी यूथ को बोलूँगा तू गुजरात चला जा, गुजरात में देख कितनी सारी प्रोडक्शन हो रही है. गुजरात. अब आप फिर से मुझे एक बार बताओ, या तीलस मजन से, या सोयाबीन, या रिफाइन तीलस मजन से पन्नी गाड़ चुक तला, पन्नी नदर मुझ चुक तला, या पन चिकन चुक तला, वो कहाँ से आता है? वो भी तो गुजरात से आता है ना. कम से कम आप तेल तो बनाओ ना, पहले क्या नहीं बनता था घरों में, जैसा सा वाहन जिनसे तेल प्रोड्यूस करना, वो चीज़ शिफ्ट होगी फैक्ट्रीज में. ठीक है, एंड I feel like Kashmiri youth should come forward into manufacturing, into production. एक शहर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि मिल जाएगी मंजिल भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही. बेशक, exactly. गुमराह तो वही होंगे ना जो घर से निकलेंगे. मतलब they don't know. You have to come out of your comfort zone. That's very important. And second suggestion, which is very important, I will tell to the youth of Kashmir, खासतौर पर कश्मीर के लोग, AI is taking its place. Okay. AI is taking its place, so I suggest don't waste your time on software. अपनी energy, अपना पैसा software पे बर्बाद मत करो. Okay? Rather go into hardware. अब hardware की चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ hardware पे focus करो, अभी it will take a lot of time to get products delivered by drone. समझ रहे हो बात को? उसके लिए delivery boy चाहिए. अभी टेस्ला कार आने में सोपोर में या कश्मीर में बहुत टाइम लगेगा. तशवेरा ड्रोन से डिलीवरी करना सोपोर? नो ब्रो, नॉट. इट विल टेक अराउंड 100 years टू रीच दैट हार्डवेयर इन आवर सोसाइटी. ठीक है, मैं वांते टेस्ला गेट्स आना सोपोर बस स्टैंड में ते में से योरी गुर्स कटस आता नहीं ना. इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट रियलिटी में पॉसिबल नहीं. सो फोकस ऑन हार्डवेयर. Simply because it's gonna take a lot of time.
फॉर एनी हार्डवेयर टू कम इन कश्मीर. फ्यूचर प्लान्स क्या आपके? इंशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इंशाल्लाह हैं ब्रो. मैं सही सही बताऊंगा, आप जैसे लोग, आप जैसे दोस्त, बहुत सारे कस्टमर्स जिन्होंने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं की, और उन दुआओं पे जो मैंने इंशाल्लाह बोला है वो अल्हम्दुलिल्लाह में तब्दील हो रहे हैं. मतलब बिलीव मी, आज से 5-6 साल पहले मुझे इस बात का अंदेशा नहीं था कि मैं आपके साथ बैठूंगा, ऐसा सच पॉडकास्ट करूंगा. आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अल्लाह, वेरी मच थैंकफुल टू अल्लाह. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. तो आगे का रोड मैप है, थिंग्स हैव बिकम सो प्रोफेशनल नाउ. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मैं आई एम नॉट इन टू एनी रैट रेस. मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ. जो मैं पहले पिछले साल था उससे बेहतर हूँ, और अगले साल कोशिश करूँगा उससे बेहतर हूँ. ठीक है, जहाँ पे हमारे आज 5 आउटलेट्स हैं, इंशाल्लाह कल 10 होंगे 15 होंगे. तो हमारी भी दुआएं जो है आपके साथ है. थैंक यू सो मच. मतलब आप और तरक्की करें. बस लोगों की दुआएं, लोगों का प्यार ही रहा है जो हमें इतना मतलब आगे तक लेके गए. तो जीवन साहब, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके. मुझे भी थैंक यू.